लगातार बढ़ती गर्मी के साथ ही लोगों को पानी के पीने की समस्या भी सताने लगी है। कोरिया जिले के नगर पालिका शिवपुर चर्चा वार्ड नंबर 9 के घुटवी दफाई में बीते 3 दिनों से नगर पालिका की पानी सप्लाई व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसे में महिलाएं कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका के टैंकरों से भी गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पालिका के टैंकरों से भी गंदे पानी का सप्लाई किया जा रहा है, जिसे जानवर तक नहीं पी सकते। पानी को लेकर वार्डवासी बर्तन लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। घुटवी दफाई में 2 कुएं हैं जहां से वार्डवासियों को पानी लाना पड़ रहा है। बिजली का समस्या भी है और पानी का भी समस्या है। या पार्षद को फोन लगाइए तो पार्षद फोन नहीं उठाते हैं। हम लोग को 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पानी नहीं मिलता है और कभी टैंकर भेजेंगे तो उस तरफ भेज देंगे। और इधर तो इतना समस्या हो जाता है कि इतना बड़ा पूरा बस्ती है, पूरा वो पूरा उन लोग ही नहीं होता है। हम लोग का असर पड़ता है, गंदा पानी है, प्लस वो इतना छोटा कुआं है कि उसमें गड्ढा भी नहीं है बिल्कुल। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ कोबिया से संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसी बीच जो जल संकट की समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। कोबिया के हालात की अगर बात करें तो लोग किस तरीके से वहाँ मजबूर नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले चर्चा और कालरी वार्ड नंबर 9 घुटवी दफाई में अब 3 दिनों से लगातार नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका शिवपुर के अंतर्गत आता है एरिया, यहाँ 3 दिनों से नल सप्लाई बंद था और लोग कुएं के पानी से अपना जीवन यापन करने में विवश हो चुके हैं। और काफी जनसंख्या के मामले में काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये, और लोग मात्र एकमात्र कुआं है वहाँ जिससे इस भरी दोपहर में पानी ले जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं विशाल, अगर बात करें तो घुटवी दफाई में 2 कुएं हैं जहां से जो वार्डवासी हैं वो पानी लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पानी की गंदगी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है, लोग इसको लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, आगे क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में हो सकती है? जी, अभी उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है, लोगों ने शिकायत किया है तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम सप्लाई जल्द चालू करेंगे। उनका ये कहना था कि पाइप फट जाने के कारण सप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन अब शायद इस खबर चलने के बाद कुछ उनके दिमाग में, उनके जहन में कुछ बात आए और लोगों की परेशानी को देखते हुए कुछ ना कुछ उसके लिए निराधार करे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी चर्चा कालरी के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 9 घुटली दफाई है वहाँ 3 आज सवेरे से कुछ स्थिति सुधरी है, कुछ घरों में सप्लाई चालू हुई है। जी, तो वही विशाल, अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही लोग इसकी शिकायत भी लगातार कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ अहम कदम है जो ग्रामीणों के द्वारा उठाया जा सकता है इस मामले को लेकर? इसके लिए अभी लोगों से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि अगर इस तरह से रवैया रहा तो अभी इसके लिए आंदोलन करने या क्रमबद्ध आंदोलन करने में विवश रहेंगे, क्योंकि वो जल संकट अभी कोरिया जिले में एक चर्चा ही नहीं और भी अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नल जल योजना पूरी तरह फेल है। वहाँ नल जल कनेक्शन होने के बावजूद भी वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, कई तरह की परेशानियों के सामना यहाँ इस भीषण गर्मी में नौतपा का समय चल रहा है अभी देखने को लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोग होकर आंदोलन करने पर विवश हो सकते हैं। ठीक है विशाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको कोरिया से दिखा रहे हैं जहां भीषण गर्मी में जल संकट भी गहराता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से आसपास से कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर हैं और साथ ही लोग इसको लेकर लगातार नगर निगम के सामने प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर महिलाएं आसपास के कुओं से पानी लाने को भी मजबूर नजर आ रही हैं।